नदी में गोते तू लगा, हम तो समंदर के तैराक हैं। नदी में गोते तू लगा, हम तो समंदर के तैराक हैं। और जितना तूने सुना है ना, उससे कई गुना ज्यादा खराब हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर सिंह गोला, और ये जो डायलॉग था और ये जो एक शायरी थी, वो उन लोगों के लिए थी जो बहुत ही ज्यादा आपके खिलाफ है, आपकी ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं और आपके बारे में बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम कौन है। वो तो एक सिर्फ और सिर्फ एक नदी में गोते लगाने वाले लोग हैं। वो सिर्फ आज गए, कल निकल आए, बस उससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे आइस ऑन द टॉप। जी हाँ, आइस ऑन द टॉप, आइस ऑलवेज ऑन द टारगेट। जी हाँ, हमेशा अपनी जो आंखों को आप अपने टारगेट पे बना के रखें, क्योंकि यहां पर एस मुफार सर ने एक बात कही थी, बहुत ही बेहतरीन मुझे बात लगी। वो बात थी, बहुत सारे लोगों ने इस ऑन पैसिव को अपना एक प्राइमरी बिजनेस बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इस बिजनेस को, आई मीन इस ऑन पैसिव को, एक प्राइमरी बिजनेस बना लिया है। प्राइमरी बिजनेस का मतलब ये होता है कि वो पूरी तरीके से ऑन पैसिव के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। और प्राइमरी बिजनेस का मतलब ये होता है कि उनका एक बहुत ही ज्यादा मुख्य बिजनेस बन चुका है। वो अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है ऑन पैसिव के लिए। जी हाँ, ऑन पैसिव उनके जीवन में एक प्राइमरी बिजनेस बन चुका है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस बन चुका है। भाई क्यों ना बने प्राइमरी बिजनेस, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है वो पूरे ऑल वर्ल्ड में छाने वाला है। हमारा जो बिजनेस है, अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे अपनी हम शॉप चला रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, तो वो आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर, एक लिमिटेड दायरे के अंदर और लिमिटेड लोगों के साथ ही आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ऑन पैसिव का जो बिजनेस है वो एक ऑल वर्ल्ड में जाने वाला है। आप लोगों को पता है यहाँ पे जो इनकम आने वाली है, आपको पता है कि एक मैसिव इनकम आने वाली है, पैसिव इनकम आने वाली है। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो इनकम आने वाली है वो आपकी कभी खत्म न होने वाली इनकम आने वाली है। जब आप सो रहे होंगे तब भी इनकम आने वाली है, जब आप कहीं भी खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, तब भी आपके पास इनकम आने वाली है। तो क्यों ना यहाँ पे लोग इस बिजनेस को प्राइमरी बिजनेस माने। तो एस मुफार सर ने बहुत सारे लोगों की जो मन की बात थी वो अपने आप ही कह दी। जी हाँ, एक तरीका ये भी था लोगों के मन के अंदर विश्वास को दिलाना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को प्राइमरी बिजनेस बना चुके हैं। और प्राइमरी बिजनेस इसलिए बना चुके हैं क्योंकि ये एक आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। ये बिजनेस एक आने वाली जो एक टेक्नोलॉजी है, या यूं कहें जो बदलता हुआ जो युग है, बदलता हुआ जो जमाना है, ये उस पर आधारित है बिजनेस। आज बहुत सारे लोग हाथ पैरों से काम कर रहे हैं, वो एक लिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो लोग डिजिटल काम कर रहे हैं वो अनलिमिटेड पैसा आने वाले टाइम में 100% कमाएंगे, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो डिजिटल ही है। आज बहुत सारे लोग, आप देखो, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, घरों में देखो, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन का जो डाटा होता है वो बेकार में ही यूज कर देते हैं, 1 GB 2 GB जितना भी उनको डेली मिलता है। क्या वो उससे चाहें तो पर डे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं? आप जिसकी वीडियो देखते हो तो वो भी तो कोई ना कोई क्रिएटर है, वो भी एक वीडियो क्रिएटर है, वो भी कहीं ना कहीं जा करके वीडियोस को शूट करता है, वीडियोस को बनाता है, और जा करके वो अपने किसी भी चैनल के ऊपर या किसी भी छोटे छोटे जो शॉर्ट्स होते हैं उसके ऊपर वो डाल देता है, वीडियोस के ऊपर डाल दे, फेसबुक के ऊपर डाल दे, इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दे, लेकिन वो अपने डाटा का सही इस्तेमाल कर रहा है असल में। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, असल में वो अपने डाटा को पूरी तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से बेकार में ही खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आने वाला जो दौर है वो डिजिटल होने वाला है, और डिजिटल तरीके से जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लोग इसमें और ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, बहुत ज्यादा लोग इसमें, एक बहुत अच्छा ट्रैफिक आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास एक बहुत अच्छी स्किल है, आप एक वीडियो क्रिएटर हो, अगर आपके पास एक अलग से कोई भी स्किल हो, तो आप उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो सबसे अच्छी चीज है, वीडियो सबसे अच्छी चीज है। और इसीलिए आज ऑन पैसिव लोगों का एक प्राइमरी बिजनेस बन चुका है, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रहा है। आने वाली जो बदलती हुई जो टेक्नोलॉजी है, इस पे बहुत तेजी से काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वही टेक्नोलॉजी है जिसमें आज सिर्फ आपके सामने बोल के बैठ करके वीडियो आप देख रहे हो, बस आप 10 साल रुक जाओ, 10 साल के बाद मैं आपके पास आके बैठ जाऊंगा, और आपके पास में आके बैठ करके आप एक विजुलाइज करोगे, एक
इस तरीके से बैठ जाऊंगा जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके आमने सामने बैठ करके बात कर रहा हूँ। ये एक आने वाली टेक्नोलॉजी है जो एक सपना सा लगती है, और हर एक चीज शुरुआत में एक सपना ही लगती है, लेकिन जब वो रियल में कन्वर्ट होती है फिर वो हर चीज एक क्या कहते हैं कि लोग अपने अपने शब्द बदल लेते हैं कि यार ये तो होना ही था, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है लोग सोचते हैं। लेकिन बात यही है कि जो लोग सोचते हैं वाकई में वही लोग उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। जो लोग सोचते ही नहीं है वो लोग क्या पहुंचेंगे, उनके मन के उनके उनको तो पहुंचना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि जो आपके थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं ना, यही आपको वो चीज दिला सकते हैं जिस प्रकार की सोच आप रखते हैं। तो ऑन पैसिव के अंदर अगर हमने इसको अपना प्राइमरी बिजनेस मान लिया है, और एस मुफारिश ने बोल भी दिया है कि ये एक प्राइमरी बिजनेस मुख्य बिजनेस बन चुका है सब लोगों का, अब मैं इसको 100% सबके लिए एक बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। प्राइमरी बिजनेस का मतलब यही होता है कि आपके सारे के सारे जो काम है साइड में, आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन एक प्राइमरी बिजनेस वो होता है जिसपे आप 99% डिपेंड होते हो। 1% में आपके कोई भी छोटे मोटे काम हो सकते हैं जहां से आप अर्न करते हो, लेकिन एक प्राइमरी बिजनेस वो होता है जहां से आप 99% पूरी तरीके से डिपेंड होते हो कि यहां से ही एक मेरी बहुत बड़ी मुफ्त इनकम आती है, तो वो होता है प्राइमरी बिजनेस। तो आज एस मुफारिश सर ने सबको क्लियरली बोल दिया है कि आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी हमारे लोग हैं उनका प्राइमरी बिजनेस बन चुका है, और ये प्राइमरी बिजनेस ही रहेगा, आप लोगों का मुख्य बिजनेस रहेगा, और यहां से जो आने वाली जो आय होगी आपकी, जितनी भी आपकी अलग स्रोत जो होंगे जहां से भी आप इनकम कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, उनसे कहीं ज्यादा कई गुना ज्यादा आपको इनकम यहां से आने वाली है। तो बस आने वाली है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कुछ नहीं है ऐसा, तो सब आज भी वेबिनार हो रहे हैं, कल भी वेबिनार हो रहे थे, और आने वाले टाइम में ऐसे वेबिनार होते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो उन लोगों को सिर्फ मेरा यही मैसेज है कि आप उल्टे सीधे तरीके से अपने जो कमेंट्स हैं वो थोड़ा संभल के लिखें, और दूसरी बात यह है कि अगर आप फाउंडर निकले और आपने उल्टे सीधे कमेंट्स किए तो आपकी फाउंडरशिप 100% चली जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखना। तो किसी भी कमेंट को करने से पहले आप अच्छी तरीके से सुन लें, और गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें, और ऐसा हो रहा था ऐसा होता रहेगा आगे कुछ नहीं होगा ठीक है। तो आपने अगर कुछ भी गलत सलत अगर आपकी जो भी सोच है अगर ये गलत साबित हो गई तो आपकी फाउंडरशिप चली जाएगी, ध्यान रखना। अगर आप फाउंडर निकले तो, अगर आप फाउंडर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पूरा हक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप टेंशन बिल्कुल भी हटा दीजिए अपने मन से। दिस इज योर प्राइमरी बिजनेस, दिस इज योर मैन बिजनेस, इंपोर्टेंट बिजनेस ऑन पैसिव, और यहां से जो इनकम आने वाली है वो रेदर देन आपके जो भी काम होंगे उससे कई गुना ज्यादा आने वाली है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो डिसीजन है आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, आपका डिसीजन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है, और आपको कहीं पर भी अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आप भटकना था, जितना भी आपको इधर उधर भागना था आप भाग लिए। ओके, तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ, जो हमारी वेबिनार से और हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और जो बैक ऑफिस होती है उससे संबंधित जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं उस पर हम वीडियोस आपके पास लाते रहते हैं, ताकि आपके मन के अंदर ऑन पैसिव के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास बना रहे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर डे आपको वीडियोस जरूर मिलेंगी ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे यहाँ पे। ओके, मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर इन इट टू विन इट। अब इतनी देर देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है, और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसको भी कमेंट बॉक्स में अरे यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना, और इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझ लेना जग्गा नाम है हमारा, सपने में आते हैं हम। ठीक, चलो ए बंद कर, चल।